नमस्कार दोस्तों, बाबा टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आई स्किल कंपनी का प्रीमियम किचन वेइंग स्केल। तो गाइस, आज इस प्रोडक्ट पे वीडियो आने वाली है और ये जो है आई स्किल कंपनी का जो है प्रीमियम किचन वेइंग स्केल है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है ये और इसके अंदर जो है 2AA बैटरी यूज़ होती है। बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है ये 800 या 900 ग्राम या 1000 ग्राम के आसपास का वेट है टोटल। और बहुत ही आप इसमें जो है किचन के लिए जो है 10 केजी तक आप इसमें वेट मेजरमेंट कर सकते हो। 10 केजी तक का ये वेटिंग स्केल है, वेइंग स्केल है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, स्वागत है आपका एक नए प्रोडक्ट की वीडियो में। ये आई स्केल का इंसिग्निया मॉडल है, कॉम्पैक्ट एंड डिजिटल प्रीमियम किचन स्केल है ये। बहुत ही कॉम्पैक्ट है ये और ये आई स्केल कंपनी का प्रोडक्ट है। इंसिग्निया मॉडल है इसका प्रीमियम किचन वेइंग स्केल। तो चलिए आज की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फ्यूचर के बारे में जानेंगे। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने जो है आई स्केल का जो 30 केजी तक का जो वेइंग स्केल है उसकी वीडियो बना रखी है और आप उस प्रोडक्ट को भी परचेज कर सकते हो। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है वो भी, और ये भी सेम किचन के लिए कॉम्पैक्ट प्रीमियम स्केल है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं, जानते हैं इसके फ्यूचर के बारे में। वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज़, ये जो है हमें आई स्केल कंपनी से रिसीव हुआ है और देखिए कितनी बेहतरीन पैकिंग में है। ये फॉर्म लगे हुए हैं इसमें ताकि कुरियर में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देख लेते हैं हम कितनी बढ़िया फिनिशिंग में है ये। देखिए आप, ये देखिए आप, यहाँ पे ये स्टेनलेस स्टील का जो है पैन है और ये किचन के लिए बहुत ही बढ़िया कॉम्पैक्ट डिजिटल स्केल है ये। तो इसका वेट जो है तकरीबन 800 ग्राम के आसपास या 990 ग्राम के आसपास हो सकता है। और चलिए अब इसके पहले, इसको हम जो है टेस्ट करने से पहले इसके कुछ फ्यूचर है उसको हम जान लेते हैं। तो जो इसके कवर के बैक साइड पे ही सारे फ्यूचर इसके लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसके सारे फ्यूचर के बारे में बता देता हूँ। देखिए, प्रीमियम किचन वेइंग स्केल है ये और लार्ज LCD मिलती है आपको। यहाँ पर मैं LCD को ऑन कर देता हूँ। ये देखिए, लार्ज LCD मिलती है आपको और इल्यूमिनेटेड बाई ए पीसफुल ग्रीन बैक लाइट। ये देखिए, यहाँ पे ग्रीन बैक लाइट विथ ब्लैक फॉन्ट मिलेंगे आपको। देखिए, काले अक्षरों में यहाँ पे फॉन्ट नज़र आएंगे आपको। और उसके बाद में जो सेकंड फ्यूचर है वो ऑटो ऑफ है, क्योंकि इसके अंदर जो है AAA बैटरी लगती है, 2 बैटरी। तो ये ऑटोमेटिक अगर 120 सेकंड तक, यानी कि आप जो है 2 मिनट तक इसे यूज़ नहीं करते हो, तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी मशीन। उसके बाद में जो इसकी वेइंग कैपेसिटी है वो 10 किलोग्राम तक की ये मशीन है। 10 किलोग्राम तक आप इसमें वेट को टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो मेजरमेंट के लिए। विथ एक्यूरेसी ऑफ 1 ग्राम की एक्यूरेसी होती है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बैटरी इसमें यूज़ होती है वो है 2 बैटरी लगती है, 2AA। और यहाँ पर ओवरलोड इंडिकेटर है, टेयर है। आप कोई भी वाउल वगैरह रखेंगे, आपका जो भी इंग्रेडिएंट है किचन का उसको, तो आप वाउल को टेयर कर सकते हो। यूनिट जो है आपको इसमें, आप जो है से ग्राम में भी चेंज कर सकते हो, पाउंड्स में भी चेंज कर सकते हो और आउंस में भी चेंज कर सकते हो। लो बैटरी का भी इंडिकेटर इसमें मिलता है, अगर बैटरी लो होती है तो ये यहाँ पर डिस्प्ले में शो करेगा लो बैटरी का इंडिकेटर। तो यहाँ पर ये कुछ इसके स्पेसिफिकेशन और इसके फ्यूचर थे। और गाइस, चलिए अब इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है इसका, ज़्यादा इसका वेट नहीं है, 800 ग्राम या 900 ग्राम क्या 990 ग्राम के आसपास का वेट होगा। और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा रखी है। देखिए ऑलरेडी पहले से ही ये 2 बैटरी यहाँ पे लगती है, AAA छोटे साइज़ वाली। और यहाँ पीछे इसमें जो है रबर के, ताकि ये स्लिप ना हो, ये यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि ये जहाँ भी आप इसको रखें तो ये फिक्स हो जाए बिल्कुल। तो देखिए आप कितना बढ़िया इसका लुक है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। और डिस्प्ले भी आप देख पा रहे होंगे, जो डिस्प्ले है इसकी वो डिस्प्ले भी काफ़ी जो है लार्ग है और ब्लैक फॉन्ट के साथ में आपको जो है यहाँ पे डिस्प्ले नज़र आएगी। देखिए आप, तो यहाँ पे देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये यूनिट, यहाँ से आप इसको ग्राम में चेंज कर सकते हो, पाउंड्स में चेंज कर सकते हो, आउंस में चेंज कर सकते हो। तो देखिए मैं अभी यहाँ पर, ये जो है इसकी जो सेटिंग है, देखिए यहाँ पर ग्राम में हो रखी है। देखिए आप, ये रहा ग्राम। तो अभी मैं इस बटन को प्रेस करके मैं यूनिट को चेंज कर सकता हूँ। देखिए आप, ये आउंस में हो गया, उसके बाद में ये LV यानी पाउंड्स में हो गया। तो आपको 3 तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। हम जो है ज़्यादातर इंडिया में ग्राम में ही चीज़ को यूज़ करते हैं, ग्राम में या KG में। तो अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ वाउल्स में रख के और आपको मैं टेस्ट करवाता हूँ कि
किस तरीके से हम इसे कोई वेट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे हमने इस पैन के ऊपर जो है, मान लो ये हमने जो है एक बाउल रख दिया है, इसमें हम कुछ भी सामान को जो है मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए, जैसे ही मैं इस बाउल को यहाँ पे रख रहा हूँ तो यहाँ पे इसका वेट बता रहा है 34 ग्राम। तो इस 34 ग्राम को हमें टेयर करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे हम इसको टेयर करेंगे इस वाले बटन को दबा के, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पावर ऑन के लिए भी और यहाँ पे टेयर, तो ये वाला बटन को हमें प्रेस करना है और जो वेट है वो हमारा टेयर हो चुका है। देखिए, अगर हम उसको जैसी वाल को हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए -31 ग्राम आ गया है, और जैसी इस पर रख देंगे तो ये देखिए 0-0, यानी कि टेयर हमने कर दिया है। और चलिए अब हम जो है किचन के कुछ इन्ग्रीडियंट का हम यहाँ पर जो है वेट कर लेते हैं मेजरमेंट। यहाँ पे गाइज हम जो है मैक्सिमम जो है 10 केजी तक इसमें वेट मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर 10 केजी से ऊपर का एक इसमें हम जो है वेट डालेंगे तो ये ओवरलोड का इंडिकेशन भी यहाँ पे दिखाता है। तो सपोज दैट देखिए, मैं आपको यहाँ पे 10 किलो से ऊपर का यहाँ पे मैं आपको वेट हाथ से डाल के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास में ये देखिए यहाँ पे आ गया है, ये देखिए आप ओवरलोड। तो जैसे ही आप देखिए, अगर 10 किलो से ऊपर का वेट डालेंगे तो यहाँ पे देखिए OLED ओवरलोड। तो गाइज इसके अंदर ये भी फंक्शन है, अगर आप ज़्यादा वेट डालते हो तो ये ओवरलोड का इसमें फंक्शन है, ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा इंडिकेशन। और यदि आपके वेइंग स्केल की बैटरी लो हो जाती है तो बैटरी लो का इंडिकेशन भी यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाएगा। तो अगर आपको वेइंग स्केल परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आई स्केल वेइंग स्केल कंपनी का जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो आप इसको अमेजोन से भी परचेज कर सकते हो, आपको मैं अमेजोन का भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और आप इसे डायरेक्ट कंपनी से भी ऑर्डर करके मंगा सकते हो। अगर आप वहाँ से ऑर्डर करते हो हमारे चैनल की वीडियो में लिंक के माध्यम से, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट अवश्य दिया जाएगा। तो गाइस बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। मैं इस प्रोडक्ट को इसके लिए लेके आया हूँ क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है देखिए आप, और यहाँ पे देखिए जो इन्होंने कैबिनेट यूज़ की है जो PVC में, उसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने मटेरियल यूज़ किया हुआ है। और स्टेनलेस पैन है इसका, देखिए इसमें कोई जंग वंग नहीं आएगा, और बहुत अच्छी मशीन है। और इसका जो प्राइस है वो 799, यानी 799 प्राइस है। आप इसको अमेजोन से भी परचेज़ कर सकते हो, डायरेक्ट कंपनी से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपनी का फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।